और अब खबरें विस्तार से। शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संघ ने किसी तरह यात्री किराए में कमी नहीं करने का ऐलान किया है। ऑटो यात्री किराए में कमी लाने की मांग पिछले कुछ दिनों से उठाई जा रही है। सोमवार को साक्षी में ऑटो चालक गोलबंद हुए और किराए में कमी नहीं करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि सबकी नजर में ऑटो चालक आते हैं। सेठ साहूकारों द्वारा चावल दाल तेल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि की गई, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। भाड़ा कम करने के विषय में टेम्पो भाड़ा लोगों ने विचार रखा किस हालत में कम करें, कहां से कम करें। राशन में सीधी ट्रांसपोर्टिंग में कोई रेट घटा नहीं। घूम फिर के टेम्पो वाला रिक्शा वाला ये सरकार तेल के दाम तो घटा है, पेट्रोल डीजल का दाम तो घटा है। डीजल का रेट घटा, आज आरम तेल सरसों तेल में कहाँ रेट घटा, आटा में कहाँ रेट घटा, चावल में कहाँ रेट घटा। चाय पीने जाइए वही रेट है, सिगरेट खाने जाइए वही रेट है। कल से आप लोग रेट घटाएंगे? सरकार हम लोग का रेट बढ़ा राशन का देखो, महंगाई का देखते सबके साथ सबके साथ विकास। ये तो टेम्पो वाले से सरल डीजल के लिए नहीं, महंगाई का देख के हम लोग बढ़ाए। उपायुक्त ने सोमवार को जिले में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। शहर में बढ़े चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और जनता के बीच भय के माहौल को दूर करने विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए उपायुक्त ने सोमवार को सभी प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और तीनों निकायों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 163 शहर में फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर झारखंड निर्माण संघर्ष समिति के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला। शहर में दिनों दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और जल्द से जल्द फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर झारखंड निर्माण संघर्ष समिति के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला, जो विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए जुबली पार्क स्थित टाटा की मूर्ति पर समाप्त हुआ। उनका नेतृत्व बंटी शर्मा कर रहे थे। कैंडल मार्च निकाले हैं और यहाँ टाटा बाबा से प्रार्थना करने आए हैं कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सद्बुद्धि दे, ताकि वो लोग जमशेदपुर में जो इतने लोग एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं उनके प्रति उनके दिल में कुछ भावना जागे। वो लोग एकदम पत्थर दिल हो गए हैं। टाटा जी के सपनों का शहर ये नहीं रहा अब। उन्होंने कभी ऐसा नहीं था कि हमारे शहर ऐसा हो। उन्होंने चाहा था चौड़ी सड़कें, खुले मैदान लोगों को मिले, लेकिन अभी जो उनके अधीनस्थ अधिकारी ऐसी मुनाफाखोरी में लगे हैं, कैसे पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए, समाज से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। मांग क्या कर, मांग हमारा है कि फ्लाईओवर का निर्माण अविलंब किया जाए। अगर एक महीना का समय दे रहे, अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है, तो हम लोग 8 मार्च जो टाटा जी के जन्म दिवस है उसे काले दिवस के रूप में उस दिन मनाएंगे और मुंह पर काला पट्टा बांधकर सभी उच्चाधिकारी जो आएंगे प्रबंधन उनका विरोध करेंगे। TSRDS में सोमवार को फेलोशिप और छात्रवृत्ति वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। TSRDS टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा ज्योति फेलोशिप स्कॉलरशिप वितरण का कार्यक्रम किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मेधावी बच्चों के लिए फेलोशिप कार्यक्रम चलाया जाता है। हाता हल्दी अन्य क्षेत्रों के बच्चों के बीच छात्रवृत्ति वितरण किया गया। हम लोगों का प्रोग्राम नहीं खत्म हुआ है। हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी कुछ बोलो। टोटल 3000 बच्चों को हम जो आपको रिकॉग्नाइज किया गया है, क्या है आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, क्या करना चाहते हो बड़े होकर। इसके लिए मैं कुछ चाहूंगी कि दो लड़के और दो लड़कियां सामने टोटल राशि आज के दिन फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो करीब 1.5 लाख रुपए तक का ये वितरण किया जा रहा है।
उपायुक्त ने सोमवार को जनता अदालत लगाकर लोगों से उनकी शिकायतें सुनी। और डॉक्टर अमिताभ कौशल ने समाहरणालय में जनता अदालत लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं के निदान का आश्वासन भी दिया। अब देखिए वहाँ को ताला तोड़ भी दिया, उसको पूरा घर इंद्रा देवी और मोहन का पत्नी पति बन के दोनों भाई बहन बेचा गया। मेरा पति अपना भाई का बीवी बन के घर बेचा गया जो उसको डेट कैंसिल किया गया, फिर उसको बेच दिया था। और इतना घर में परेशान करा, गाली गलौज करा, मेरे लड़की का पीछे पड़ा हुआ था कि तुम खाली करो उनको वर्दी में रात को 9 बजे। थाना वाला बोला जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। डीसी साहब कह रहे हैं कि मेरा केस चल रहा था, केस चलते चलते मेरा सारा केस हुआ। मेरा पति मुझे छोड़ के आज 23 साल हो रहा, बच्चा को माँ को मेरा पति उसको रख लिया, रख के बहुत दूर चले गया, यहाँ पर नहीं है। होने के बाद में मैं केस लड़ते लड़ते उन लोगों को सजा भी हुआ, 1 साल का हुआ, फिर 2 साल का हुआ। उसने मेरी ननद क्या कि अपना पति को छोड़ करके दूसरा पति को रखा गलत करके, और अपना भाई का बीवी बन के दोनों भाई बहन पति पत्नी बन के मेरा घर बेच दिया गया। कि वो घर मेरा कोर्ट से डिग्री हुआ घर है, सीओ साहब आकर ताला तोड़ के मेरे को दिया मेरा घर, वो बेच दिया गया। बेचने के बाद में मेरे को बहुत परेशान करता है, तुम घर खाली करो नहीं तो तुम। झारखंड के कांग्रेस सदस्यता अभियान के प्रभारी आलोक दुबे ने कहा कि पार्टी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी और 28 फरवरी तक 10 लाख सदस्यों को जोड़ने का प्रयास होगा। वे न्यूज टाइम से बातचीत कर रहे थे। सदस्यता अभियान लोगों को पार्टी से जोड़ना और कांग्रेस की शक्ति को संगठित करना, हमारा मानना है। हमारे माननीय अध्यक्ष सुखदेव भगत जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हम लोगों को जोड़ सकते हैं, संगठित नंबर कांग्रेस पार्टी। और इसलिए आप देखिए कि पूरे राज्य में हम सड़कों पर निकले हैं, अमूमन ये आते रहे हैं कांग्रेस जो है बाहर, लेकिन हम चुनाव हारने के बावजूद हमारा मानना है कि हम पराजित हुए हैं, हम निराश नहीं हुए, हम हताश नहीं। हमारे कार्यकर्ता अब भी मौजूद हैं और इसलिए हम बाहर निकल करके आम लोगों से अपनी पार्टी को जोड़ रहे हैं कि जो हमारी पुरानी परंपरा है कांग्रेस पार्टी की। जिला कांग्रेसियों ने सोमवार को सदस्यता अभियान को क्षेत्र में चलाया। जिला अध्यक्ष विजय खां के नेतृत्व में सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। साक्षी के बाद सोमवार को मानगो चौक पर अभियान चलाया गया। अभियान में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरदार बलदेव सिंह, महिला जिला अध्यक्ष मंजीत कौर आदि शामिल। कांग्रेस का सदस्यता अभियान हम लोग आग से ऊपर रखे हैं टारगेट, जो हम लोग तेजी से पूरा करने में लगे हुए हैं, और इसमें हमारी सदस्यता के टारगेट को पूरा करने में मोदी सरकार का बहुत योगदान है। क्योंकि जो भी वादे उन्होंने किए थे, महंगाई को रोकने के, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर शांति बहाल करने के लिए दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपांकर भट्टाचार्य के सदस्यता अभियान को ढकोसला करार देते हुए कहा कि संगठन बहुत लच्चर है, सर्वप्रथम संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। ज्ञान जो चल रहा है ठीक सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। सिस्टम से अगर चलता, हमें लगता है प्रदेश में बदलाव की जरूरी है। प्रदेश जिला कमेटी के जितना जल्दी हो सकता बदल दे, जिला में जिला स्तर का बदलना चाहिए कि ऐसे अध्यक्ष हो जो समाज में उनका पहचान बने। हमारा सेंट्रल नेतृत्व को देखना चाहिए, ढकोसला सदस्यता अभियान दिखा के, कागजी दिखा के, इस तरह से संगठन मजबूत हो नहीं सकता। बागबड़ा विकास द्वारा उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच की मांग की गई है। बागबेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा जिले को करोड़ों रुपए कार्य मद के लिए दिए जाते हैं और विकास कार्य होते ही कुछ में भवन, नाली, सड़क आदि जर्जर हो जाते हैं।
और आकलन के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। सामाजिक संस्था बागबेड़ा विकास समिति आज माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम जिला पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंप रही है। इस मांग पत्र में हमने यह कहा है कि पूर्वी सिंहभूम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार सालाना करोड़ों रुपया देती है विकास के नाम पर, लेकिन विभाग के चंद कुछ अफसर जो है वो कमीशन पूरी करके पूरे जिला में भ्रष्टाचार फैले हैं, जिस कारण जिला में विकास योजना कार्य दम तोड़ रही है। हम लोग मुख्यमंत्री से यह मांग कर रहे हैं कि जिला में कुल 10 विभागों का 2012 से लेकर 2014 तक का जो विकास योजना किया गया है, सड़क, नाली, भवन, चापाकल, इंदिरा